हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक्सपो एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो दोस्तों, ये अपडेटेड है 30 सितंबर 2021 तक। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, तो दोस्तों वे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं सवालों को हमने इस क्वेश्चन में ऐड किया है। और दोस्तों, जनरल नॉलेज पर्पज़ से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखा करिए। तो दोस्तों, ये पार्ट नंबर 2 है इसका। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो दोस्तों, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो दोस्तों जहाँ से आप पार्ट नंबर 1 आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 1 की बात करें, वर्तमान में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना मंत्री कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन योजना मंत्री जो है इस समय, वो श्री राव इंद्रजीत सिंह हैं। तो दोस्तों, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते हुए जाइए, जैसे कि आपको याद करने में आसानी हो और आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें, वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भूभाग मंत्री कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भूभाग मंत्री जो है इस समय श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की बात करें, वर्तमान में आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्री कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक मंत्री जो हैं वो श्रीपद येसो नाइक जी हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें, वर्तमान में बिजली व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्री राजकुमार सिंह हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्न नंबर 5 की बात करें, वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री तथा नागरिक विमानन मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इस समय जो शहरी एवं आवास मंत्री और नागरिक विमानन मंत्री हैं वो दोस्तों श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, सेना प्रमुखों से रिलेटेड है। तो दोस्तों, वर्तमान में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो इस समय है वो जनरल बिपिन रावत हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, सेना प्रमुखों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं वो दोस्तों किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो दोस्तों, इनको आप नोट करते हुए जाइए, जिससे कि आप याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर बात करें प्रश्न नंबर 7 की, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं वे श्री जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करें, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख जो हैं वो एयर प्रमुख मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये आंसर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वायुसेना से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर प्रश्न नंबर 9 की बात करें, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो नौसेना के प्रमुख हैं वो श्री डॉक्टर एडमिरल करमवीर सिंह हैं। तो दोस्तों, एडमिरल करम सिंह जी हैं जो कि भारत के नौसेना प्रमुख हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें, तो दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 250 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, जिसमें से 238 सदस्य जो है राज्यों से होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्न नंबर 11 की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 13 की बात करें, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वह 552 होते हैं, जिसमें से 530 सदस्य जो होते हैं राज्य से होते हैं और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से होते हैं तथा 2 सदस्य जो कि होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो एकलव इंडियन होते हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्न नंबर 14 की बात करें, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में जो लोकसभा में जितने सदस्य हैं वो 545 सदस्य हैं जो कि वर्तमान में इस समय है। दोस्तों, अगर बात करें प्रश्न नंबर 15 की, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में से जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वे श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर प्रश्न नंबर 16 की बात करें, वर्तमान में अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है।
तो दोस्तों वर्तमान में अटॉर्नी ऑफ जनरल जो है वो के वेणुगोपाल जी हैं। तो ये दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्न नंबर 17 की बात करें, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो श्री एन वी रमन जी हैं। तो ये दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इसको भी आप याद करते हुए जाइए। तो दोस्तों अगर प्रश्न नंबर 18 की बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो श्री न्यायमूर्ति मुनीश्वर भंडारी जी हैं। तो ये दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।